नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर एसजे टेक के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट फोन के बारे में, और ये कब लॉन्च होने वाला है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जानने वाले और मेरा कुछ ओपिनियन आपके साथ में शेयर करने वाले दोस्तों। ऐसे में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा जो कि 2K वीडियो शूट कर सकता है, अगर हम वीडियो की बात करते तो इसमें आपको मिलने वाला है 6 GB रैम प्लस 8 GB रैम, मतलब आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, जो कि 6 GB रैम वाला मिलने वाला है, 8 GB रैम वाला मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 855 का स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का प्रोसेसर, 4500 mAh की लिप्रो बैटरी, तो लिथियम कुछ तो ऐसा मिलने वाला है आपको, मतलब इतना अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन इसकी जो डेट है वो फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने वाला है सबसे पहले, उसकी आपको डेट देता हूँ, एक्सपेक्टेड डेट देने वाला हूँ। तो इसकी डेट हो सकती है 21, हो सकती है 22, हो सकती है या 23 हो सकती है, कुछ भी होने वाला है, डेट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर वो लॉन्च होता है तो सबसे पहले लिंक नीचे है ही, वहां पे आप जाके चेक करो, आपको सारे डिटेल मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है जनवरी में लॉन्च होने वाला है 2020 तक, मतलब अभी जो कि हम अभी जनवरी में ही है, तो जनवरी में लॉन्च होने वाला है। बात करते हैं इसके 4G या 3G या 2G, ये तीनों भी आप यहाँ पे सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास 2G होगा, अगर आपके पास 3G होगा। ज्यादातर लोग 2G यूज नहीं करते तो 2G बंद ही कर देना चाहिए, लेकिन जो ओल्ड मैंस होते हैं तो उनके पास अभी 2G पर ही वो चलते हैं, लेकिन उनको जो एंड्रॉयड फोन दिया तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा है 2G 3G 4G जो भी दिया है हमको, वो अच्छी ही बात है। बात करते हैं इसकी वेट की, 186 ग्राम इसका वेट मिलने वाला है, काफी हैवी भी नहीं है, एकदम लाइट सा वेट है, रेडमी नोट 5 प्रो जैसा। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले टाइप की, तो मिलता है सुपर एमोलेड प्लस कैपेसिटिव का टच स्क्रीन मिलने वाला है आपको डिस्प्ले। और अगर हम बात करते हैं इसके ओएस की, तो आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 का 1 UI 2, तो अच्छी बात है यहाँ पे। और स्नैपड्रैगन तो मैंने जैसे कि बताया 855 का प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, SM8150 का। और इसका जो GPU है Adreno 640 का इसका GPU है, और इंटरनल है 128 GB की इंटरनल है। अगर आप 6 GB का रैम वाला फोन लेते हैं, अगर आप 8 GB का रैम वाला फोन लेते हैं, तो आपको मिलता है सेम ही, दोनों में सेम ही, कुछ चेंजेस नहीं। लेकिन मैं रेकमेंडेड आपको कर रहा हूँ कि आप थोड़ा रैम थोड़ी आप देख कर ही लो, 6 GB लो या 8 GB लो, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है 8 GB, बिकॉज कल कभी भी आ सकता है 5G फोन। लेकिन और थोड़े आप रुके, अभी ये फोन नहीं लिया, या फिर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन नहीं लिया तो 5G का वेट जरूर कीजिए, 5G जल्दी आने वाला है। मैं तो 5G का फोन लेने वाला हूँ और आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है 5G फोन की, और इसके कुछ स्पीड टेस्ट हम करने वाले। तो ये हमारा अभी चालू है, हमारी टीम का वर्क चालू है 5G फोन के ऊपर, और वो अभी क्या सोचती है कि आपके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ या फिर नहीं करूँ, ये सब हम डिसीजन जल्दी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके यूएसबी की, टाइप सी का यूएसबी मिलने वाला है, और 2.0 के साथ में इसके अंदर अगर सेंसर की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट इन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिलने वाला है, ना कि पीछे, पूरा प्लेन मिलने वाला है, अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। और बात करते हैं इसके एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रोक्सिमिटी, और ज्यादातर आपको मिलते ही सेंसर जैसे कि सभी फोन में मिलते हैं वैसा ही है इस फोन का। और इसकी ब्राउजर है HTML5 का, जो कि एक नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आपको ये फोन मिलने वाला है, तो अच्छी बात है। लिथियम मुझे लगता है इसमें बैटरी जो है वो है लिथियम की, ऐसा मुझे इतना पता नहीं, लेकिन होगी लिथियम की, देगी तो बहुत अच्छी होगी, बिकॉज नोकिया के फोन में लिथियम की बैटरी होती है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ज्यादा यूज नहीं होता लिथियम बैटरी का, मतलब ज्यादा वो हम कितना भी फोन यूज करें तो वो ज्यादा खींचती नहीं है, तो एक अच्छी बात है। अगर लिथियम की बैटरी देखे तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलने वाला है,
बहुत अच्छी बात है, ये फोन अभी लॉन्च होने वाला है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है इसकी। अगर हम बात करते हैं वीडियो शूट की, अगर आप 30 FPS पर शूट करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 2K वीडियो। अगर आप 30 to 60 FPS में करना चाहते हैं तो 1080p के इसमें आप शूट कर सकते हो। अगर आप 960 FPS पर शूट करना चाहते हो तो मतलब आप 720p को जरूर सिलेक्ट करो। और इसमें आपको मिलता है 3.5 mm का जैक नहीं दिया। ये बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, मतलब इन लोगों ने अभी हमको 3.5 mm का हेडफोन जैक देना ही चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतना भी नहीं है कि वो एक वायरलेस हेडफोन्स या ईयरफोन परचेस करे। उनने देना ही चाहिए था इस बार तो 3.5 mm का जैक, क्योंकि मैं बात करता हूँ उस एसुस का ROG Phone 2, तो इसमें आपको करीब इसकी 60,000 रुपीज उसकी प्राइस है। तो वो उस उन कंपनी ने हमको 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया है, और ये कंपनी हमको 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं दे रही। मतलब एक अच्छी बात नहीं है, देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग हेडफोन वायर्ड के यूज करते ना कि वायरलेस यूज करते। करीब करीब 80% लोग हैं जो वायर्ड के यूज करते, और जो 20% लोग हैं वो करते हैं वायरलेस का यूजेस। तो इसमें आपको कैमरा की बात करते हो तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा मिलने वाला है विथ HDR, और बहुत ही अच्छा है। ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा, 48+12+5। और इसमें आपको मिलता है, अगर हम कैमरा के फीचर, मेन कैमरा के फीचर की बात करते तो LED फ्लैश, पैनोरामा, HDR, तो ऐसे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड। जो 5 मेगापिक्सल है वो डेडिकेटेड माइक्रो कैमरा। और अगर हम बात करते 48 की तो वाइड, जो कि है सुपर स्टेडी OIS। तो ये है कुछ यहाँ पे हमारे पास फोन की डिटेल्स। क्या लगता है आपको, इस फोन में हमको हेडफोन जैक देना चाहिए या फिर नहीं 3.5 mm का? जरूर कमेंट में बताएं आपका जो भी इसके ऊपर क्या कहना है वो जरूर बताएं। हम कुछ Q&A वीडियो बनाने का प्लान में है, लेकिन अब हमारी टीम जो काम कर रही है वो 5G फोन के ऊपर ही कर रही है, जैसे कि मैंने बोला है। तो जल्दी कुछ वीडियो का प्लान है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म डेट नहीं है। अगर कंफर्म होगा तो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं कि कितने तारीख को आने वाली है वो वीडियो। तो यार दोस्तों, ये है आज का कुछ सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite, जो कि फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो जरूर आप उसे परचेज करो, या फिर अगर आप वेट कर रहे 5G फोन का तो आप जरूर उसके लिए वेट भी कर सकते हो। ऐसा में कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप कर लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। उसी के साथ साथ हम कुछ अलग से चैनल का जो इंट्रो विंट्रो है तो इसमें भी हम चेंजेस करने के सोच रहे हैं, तो वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर आप कमेंट में डाल सकते हो। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।